नमस्कार दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो मेन पर है। ये सेकंड पार्ट है मेन का। पहला पार्ट मैंने कुछ दिनों पहले अपलोड किया था, वो आप लोगों ने देखा होगा और उसका रियाज भी कर रहे होंगे। अगर आपने उसका रियाज किया है तो फिर ये आपके तब ये ज़्यादा काम का है और आपको इजी लगेगा ये। अगर आपने नहीं देखा है और उसका रियाज नहीं किया है तो आप वो प्लीज़ देख लें और उसका रियाज पहले करें फिर इसका करेंगे, ठीक है। तो उसका मैं थोड़ा सा आपको उस वीडियो का इसमें थोड़ा सा दिखा देती हूँ कि इस वीडियो में मैंने क्या बताया था। इसे ऐसे था, ठीक है, सारे सा, तो मतलब ऐसे राउंड में आ रहा था ये। जैसे आपको ये ग्लिस बोलते हैं, इसको मेन को ग्लिसांडो और स्लाइड्स, ऐसे जैसे स्लाइड लेकर आते हैं ये भी बोलते हैं, तो ये मतलब ऐसी घसीट भी शायद बोलते हैं इसे। तो ये देखिए आपको इस तरह से आना है, एकदम घसीटते हुए। और ये जो इस तरह आने का मतलब क्या हुआ कि पा और धा के बीच में कोई ब्रेक नहीं आएगा, ठीक है। जैसे हम लोग ऐसे प्ले करते हैं नॉर्मल, तो ऐसे ठीक है, लेकिन जो मीम से करेंगे मतलब सब को छूते हुए, जिस समझ लीजिए आपको नोट का मीन लेना है वहाँ तक पहुँचना है, ठीक है। ऐसे अगर हम लोग अभी तक हम लोग पा धा इस तरह से कर रहे थे ना, अब समझिए हम लोग पा से धा की मीन लेंगे, फिर नी की लेंगे, फिर सा की, फिर रे की, फिर गा की, फिर माँ की, ठीक है। तो देखिए किस तरह से लेना है। पहली जो इससे पहले जो मैंने ली पाधा मतलब यहाँ से देखे ऐसे, ये कंटिन्यूएशन रहना बहुत ज़रूरी है, ये कंटिन्यूटी नहीं टूटनी चाहिए। पाधा पानी पासा पारे ऐसे, ठीक है। देखिए तो इसमें कैसे आ रहे हैं हम लोग, पाधा पानी पासा, तो जब हम एकदम एक ये इसके बाद ये इसके बाद ये इस तरह से उठानी है, मतलब ये जैसे ये पूरी ख़त्म होगी, इसके बाद ये ऐसे सा तक आना है, तो पाधा। अब समझिए रेकी करनी है तो ये तीनों उंगली यहाँ सा तक आएगी, उसके बाद ये सा उठेगा, फिर ये ऐसे सा, फिर ये ऐसे आएगा ऐसे ऐसे, समझ गए। फिर गा तक जाना है तो ये पा की सारी ऐसे पा से नी तक सा तक आते 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 में फिर सा उठेगा, फिर रे, फिर ऐसे गा तक, मतलब ये एकदम ऐसे एक के बाद दूसरी तीसरी चौथी ऐसे करके उठती जाएगी उंगली। ऐसे नहीं है कि यहाँ से उठ गई फिर या फिर ये उठी नहीं और ये उठ गई, ऐसे नहीं, पूरी ये ऐसे होके घसीट के यहाँ तक आए और मतलब लगातार आएगी ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये गा तक जाना है, ठीक है। और माँ तक जब जाएंगे तो ये सारी उठने के बाद सा से शुरू होगी, फिर ये माँ तक आएगी, यहाँ भी ये ऐसे ही चलेगी, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखना, ये हो गई टेक्निक। और आपको इसको सुन कर समझना कि ये जो साउंड आ रहा है ना, ये प
इस तरह से, तो इसको साउंड से आप कैच कर लेंगे तो आपकी प्लेइंग में आ जाएगा। और तो टेक्निक जैसे मैं बता रही हूँ, फिर से मैं दिखाती हूँ। माँ तक बताई मैंने, वैसे ही अब उंगली का थोड़ा सा वो ध्यान रखना है कि ये पूरी होने के बाद ही ये ऐसे आए, ठीक है। मतलब पा धा नी की तक आए, खत्म होते होते फिर सा की उठेगी, ठीक है। ऐसे जाएगी एकदम। तो ये आपके समझ में आया होगा जैसे मैंने समझाया है, ठीक है। तो इसको आप, इसका प्रयास कीजिए। और जो पहला वीडियो था उसमें मैंने जैसे ये बताया था ना, तो ये जो पा धा, तो पा पर भी जो उंगली आ रही है ना वो मीन से ही आ रही है। ये जैसे मीन से ही रखना है, समझिए आपको, जैसे कि क्योंकि जब हम लोग आरोह में होते हैं ना तब वो ऐसे आता है, और जब अवरोह में होता है तो फिर वो ऊपर से नीचे ऐसे आती है मीन, ठीक है। ये चीज आप समझ रहे हैं, जैसे जब हम, जैसे मैंने पा से सा की मीन ली तो मैंने बताया ऐसे, और सा से अगर पा की लेनी है तो कैसे लेनी है, पा से सा की, सा से पा की, बहुत इंपॉर्टेंट है पार्ट वन की, जो कि आप पा धा, तो इस पर जब लैंड करते हैं ना तो बहुत एकदम बहुत धीरे 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 से, ठीक है, धानी धा। तो ये साउंड से आप समझेंगे, तो मैं ये आपके समझ में आ गया होगा। जैसे समझ लीजिए, एक मैंने कर्ण स्वर का जो वीडियो किया था उसमें मैंने बताया था ना कि भूपाली का, जैसे मैंने बताया था कि आपको अगर सारे गापा धासा प्ले करना है तो रे का कर्ण स्वर, मतलब गा लेते हुए रे प्ले करना है, और सा से कर्ण लेते हुए धा को प्ले करना है। तो वहाँ मीन का इस्तेमाल था। देखिए जैसे मैं सा सा रे गापा धासा प्ले करूँगी, गा में रे का कर्ण लूँगी और धा में सा का। देखिए गा से आ रही है, तो देखिए ऐसे सारे गा तक गई फिर वापस रे पर आई, तो वो जो गा तक गई तो वो मैं मीन से गई एकदम ऐसे करके, और आई भी हूँ तो जो गा पर फिर उंगली जो रखी गई है वो फिर बहुत धीरे से, आपको साउंड से पता चलेगा। देखिए
सात से आगे। जैसे एक तो हो गया कि आप धा पर आ रहे हैं तो धा से ऐसे आ रहे हैं, ठीक है, जाते हो तब गए, आते हो तब पर है, गा के लिए आप रे की भी ऐसे ले सकते हैं जैसे देखिए रे, या फिर सा से भी ले सकते हैं। ऐसे भी धा मतलब ऐसे भी उतरते वक्त ऐसे भी ले सकते हैं, या फिर जैसे अपने धा की सा से धा प ग ग ग रे सा, समझ वो धीरे धीरे रख के ऐसे ले सकते हैं, और जाते वक्त आपने वैसे ले ली। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया ये कि आप ऊपर से नीचे आते वक्त ऐसे ऐसे लेकर प्रैक्टिस कीजिए। वैसे हम लोग वैसे जैसे गए थे आरोह में, वैसे अवरोह में भी आ सकते हैं। अभी अगर आप अगर ये दोनों तरह की प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी कि आप मतलब स्वर पर ऊपर से नीचे जो मीन लेना वो, और एक आप ऐसे मीन ले रहे हैं ऐसे, ठीक है, और एक आप उंगलियों ऐसे रहे। इस प्रैक्टिस में इसको भी इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे थोड़ा सा इसको फास्ट करते हैं।
मेन प्रैक्टिस वही है जो मैंने पहले आपको बताई, कि मैंने ऐसे दिखाया है। ये प्रैक्टिस भी आप इसमें कर सकते हैं, क्योंकि मेन जब करना तो आप कई तरह के से प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें आपको फ़ायदा ज़्यादा होगा। कि उंगलियों को जैसे ऐसे स्लाइड करते हुए ले लिए, ऊपर से नीचे ले लिए, एक एक ऐसे करके ले लिए, ऐसे ऐसे करके, क्योंकि फिर इसी से आगे ये गमक बनेगा। अभी तो स्लो प्ले कर रहे हैं, इसी को जब हम लोग फास्ट प्ले करते हैं ना तो वो गमक बनता है। तो उसका मैं दूसरा वीडियो डालूँगी, अभी हमें मेन पर ही काम करना है, ठीक है। तो मैंने कोशिश की आपको समझाने की, आपको कुछ ना समझ में आया हो या कुछ पूछना हो या फिर आपको कोई सजेशन देना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ ये आपको मीम पर ये वीडियो समझ में आया होगा, ये जो मैंने बताया है, ठीक है। खुश रहें, फ्लूट प्ले करते रहें। नमस्कार।